आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 क्वेश्चन इसमें से करेंगे, ठीक है। तो सभी ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? इसका राइट आंसर है बी, एओ ह्यूम के पहल पर ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? ये सी इसका आंसर राइट आंसर होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ए, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इसका सही जवाब है ए। अगला क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर है सी, महादेवी गोविंद राणाडे। इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडियन। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडियन के लेखक लाला लाजपत राय थे। सी इसका राइट आंसर है। एल्बर्ट विधायक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नरोजी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक ए इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का उदय का कारण क्या था? इसका ए नंबर में ऑप्शन है उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, ये भी सही है। धार्मिक पुनरुत्थान नाद संस्कृति और नवजागरण। अगला है, उपनिवेश में भारतीय के साथ दुर्व्यवहार, उपरोक्त सभी कारण। इसका सभी कारण सही है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उग्र राष्ट्रीयवादियों का समाधान क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन था। इसके बाद दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
इसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये किया गया था। 17 नंबर में, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यह किसने कहा था? यह ऑप्शन, यह लाला लाजपत राय के द्वारा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन गो बैक के नारा देने के बाद जब इसको अंग्रेज पुलिस पदाधिकारी जब इस पर लाठी बरसाई थी तब इन्होंने ये बात बोला था। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हृदय लाल हृदयाल के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादी ये दोनों जो है कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था। अप्रैल 1920 ईस्वी में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? दिल्ली में बम फेंकने वाले सरदार भगत सिंह थे। दिल्ली में अप्रैल 1920 ईस्वी में बम फेंकने वाले थे। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, केंद्रीय संगठन नहीं बन पाया था उस समय, सही बात है। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, और सरकार की दमन नीति भी कठोर था। उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव, और उच्च मध्यवर्गीय जो व्यक्ति था वो भी इसमें शामिल नहीं हो पाता था, उसकी सहानुभूति का अभाव था। इसका मतलब उपरोक्त सभी कारण ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? फिर से ये जो है किस अधिवेशन में थी, ये जो है 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में दोनों में फिर से मेल हो गया, उग्रवादी और उदारवादी में। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? ये हुआ 1916 ईस्वी में। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये दो आदमी के द्वारा अलग अलग चलाया गया था, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों के द्वारा 1916 ईस्वी में चलाया गया था, और दोनों अलग अलग चलाए थे, इसीलिए दोनों का नाम यहाँ दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसमें कुटीर उद्योग को ये तो नहीं है, विश्वविद्यालय की ये भी नहीं है। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ये सी जो है सी इसका राइट आंसर है। किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना दलील वकील के, कोई भी व्यक्ति पर अगर शक हो गया तो उसको पकड़ के जेल में डाल सकता था, और उसको 2 साल का कारावास होता था, और उसको छुड़ाया भी नहीं जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए किया गया था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था। ये दो तरह का कमेटी बना था, उसमें एक बना था हंटर कमेटी और दूसरा बना था मदन मोहन मालवीय कमेटी। हंटर कमेटी अंग्रेज का बनाया हुआ था,
और मदन मोहन मालवीय कमेटी ये कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था। और मदन मोहन मालवीय कमेटी का जो रिपोर्ट तैयार करना था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इसमें सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, ये भी है सही। इसके बाद विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी सही है। सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधि का त्याग, ये भी सही है। इसका मतलब इसका डी इज राइट आंसर, यानी कि इसका सभी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? ये चोरी चोरा हत्याकांड के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण जो है ये महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस कॉल ड्रॉप कर लिए। ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लाला लाजपत राय और नहीं, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का आविष्कार करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सही है, सभी इसका सही है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 1928 ईस्वी। ये साइमन कमीशन कब आया था? फरवरी 1928 ईस्वी। सात सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतीय शासन, स्वशासन की स्थापना, ये भी सही है। बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, ये भी सही है। संघ शासन की स्थापना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सिफारिश इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की तरह ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर शिवास्वामी अय्यर के द्वारा यह कथन कहा गया था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? इसका ऑप्शन है, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, ये सही है। प्रांतों को उदारवादीय शासन की स्थापना, ये सही है। केंद्र प्रांत, ये भी सही है। इसका मतलब इसका डी नंबर इज राइट आंसर, डी द राइट आंसर। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में, ये ए नंबर इसका राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दंडी मार्ग समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका राइट आंसर
बी होगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? इसमें गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब और अफीम विदेशी वस्त्रों को दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को औपचारिकता त्याग देना चाहिए। इसका सही सभी जो है वो सही है, इसका मतलब इसका डी इज राइट आंसर। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? इसका बी नंबर सही है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था दिल्ली में। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। इसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, ये जो है महात्मा गांधी को इसमें सबसे आघात पहुंचाया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को किया गया था, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन, लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्त दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? इसका ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में उपनिवेशिक राज, ये सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, ये भी सही है। इसमें ब्रिटिश, ये इसका डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उदारवादी कारण क्या था? क्रिप्स मिशन को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? उत्तरदायी कारण, तो ब्रिटिश ने मित्र राष्ट्रों का दबाव, उस पर दबाव था ब्रिटिश पर, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण। इसका सही सभी सही आंसर है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी जो है इसका सही है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता और निराश, ये सही है। बर्मा में भारतीय के प्रति अमान्य व्यवहार, ये भी सही है। शोषणीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास, ये भी सही है, नहीं कि इसका डी इज द राइट आंसर। ओके।